बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कठुआ में हमला करने वाले जो दो आतंकी ढेर हुए हैं उनके पास से बरामद सामान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया को मिली हैं। इस तस्वीर में खाने पीने का पूरा सामान आपको नजर आ रहा है, यानी आतंकवादियों की प्लानिंग बहुत लंबी थी। उनकी साजिश ज्यादा वक्त तक जम्मू कश्मीर में ठहरकर दहशत फैलाने की थी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और ओपी तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो ये आतंकी आए थे पूरी प्लानिंग के तहत आए थे, क्या क्या सामान बरामद हुआ है अब तक? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर इन लोगों के पास से बरामद हुई है, जो सामान की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि उसमें चने हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें चपाती हैं, उसमें जो है बम बनाने के सामान हैं। यानी कि इन आतंकवादियों का इरादा काफी लंबे समय तक यहाँ जम्मू कश्मीर में रहकर आतंक मचाने का था। इसके अलावा इनके सामान में जो है वो पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयां हैं, दर्द निवारक इंजेक्शन हैं, वो तमाम चीजें बरामद हुई हैं। इन आतंकवादियों का इरादा संभवतः रहा होगा कि लंबे समय तक ये जम्मू कश्मीर में रहकर लगातार आतंक मचाते रहे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये भी मुनका कि एक तीसरे आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों ने ट्रैप कर लिया है। ये आतंकवादी फिलहाल एक मंदिर में छुपा हुआ बताया गया है, जहाँ पर सुरक्षा बलों की लगातार मुठभेड़ जारी है। मुनिका, शुक्रिया ओपी तिवारी। तो साफ जाहिर इन तस्वीरों से हो रहा है कि घाटी को एक बार फिर से सुलगाने के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजी के तहत जो है ये आतंकवादी यहाँ पर घुसे थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा